स्ट्रक्चर नहीं था इंटरव्यू का माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें लिखा हुआ था कि टेक्निकल इंटरव्यू है या एचआर इंटरव्यू, कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्होंने एक ही इंटरव्यू में सब कुछ पूछा है, टेक्निकल, मैनेजरियल, एचआर, सब कुछ पूछा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि डायरेक्टली इसका कितना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ठीक है, और चार क्वेश्चन अराउंड ऐसे थे जिसमें मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा के, लाइक ऐसा था कि एक मिनट में हो सकता है वो क्वेश्चन। गेम्स, कॉफी, खाने का क्या रहता है, मतलब और ऑनलाइन वाले, हाँ वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने के क्वेश्चंस, ठीक है। एक बात, वो चीटिंग कर सकते थे ऑनलाइन वाले में, पता चल जाता है, चल जाता है, मतलब ऐसे वो टैप स्विच नहीं कर सकते, तो आपको किसी को बिठाना पड़ेगा आपके, और वो क्वेश्चन ऐसे थे कि सॉल्व भी नहीं होंगे किसी से। वो चीज़ बताओ जो आपको लगता है आपको इस जर्नी में हेल्प करा है, शायद नॉर्मल बंदे को पता ना चले, पर आपके शायद सीनियर्स अच्छे थे या फिर आपको कहीं ना कहीं से बस आ गया कि लिंक्डइन पता चल गया या फिर कहीं सबकी। अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट में भी अराउंड 25,000 लोगों ने अप्लाई किया था इंटर्नशिप्स में, अभी माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम में, कितने की लगी, 9, मतलब टोटल 900 से 1,000 इंटर्न्स ऐसे थे जिनकी जॉब लगी थी, इंटर्नशिप लगी थी। सॉरी यार, अभी इंटर्न की बात आई है ना, मेरे को मतलब ऐसे रूमर्स है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसे पता चला था कि माइक्रोसॉफ्ट वाले ऐसे करते हैं इंटर्न्स के लिए लेके जाते हैं, बट वो फिर निकाल देते हैं एक साल बाद। सच है क्या इंटर्नशिप? हाँ मतलब निकाल देते हैं फोर्थ ईयर जॉब से, काइंड ऑफ, आई डोंट नो। नहीं हाँ, वो बजट इशू थोड़ा सा है, लेकिन उसकी वजह से इंटर्नशिप नहीं दी इस बार। बाकी हर बार ऐसा होता है कि जो आपको फुल टाइम ऑफर मिलता है ना, उसमें आपको 6 महीने के पहले इंटर्नशिप मिलती है और फिर आपकी वो जॉब चालू हो जाती है। ले ऑफ का सीन माइक्रोसॉफ्ट में थोड़ा कम है, अभी स्टार्ट किया, लाइक लास्ट ईयर निकाला था 10 से 12,000 एम्प्लॉयज, लेकिन जो तू बोल रहा है ये मैंने तो नहीं सुना। गॉट। सो सेकंड ईयर में आपकी इंटर्नशिप लगी और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको लिंक्डइन के थ्रू मिली थी या कहाँ से? टीपीओ ने प्रोवाइड करी थी इसके लिंक, प्यूसर ने, हाँ प्यूसर, ठीक है, गॉट इट। उसके बाद इंटर्नशिप के लिए प्रिपेयर मतलब कैसे किया आपने, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म दिया? इंटर्नशिप का तो ऐसा सीन था, 1 महीने में तो सारा प्रोसेस ही हो गया था, 2 महीने में तो रिजल्ट ही आ गया था। लाइक 23 अप्रैल को सर ने हमें लिंक प्रोवाइड किया और एक्सप्लेन किया पूरा एंगेज प्रोग्राम कि ऐसे ऐसे ये राउंड्स होंगे, फर्स्ट राउंड हुआ था हमारा DSA राउंड जिसमें 10 questions थे, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंगली सारे questions थे, ठीक है तो मल्टीपल चॉइस थे, तो ऑनलाइन हुआ था, हाँ वो ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने थे questions, ठीक है। एक बात, वो चीटिंग कर सकते थे वो ऑनलाइन वाले में, पता चल जाता है, चल जाता है, मतलब ऐसे वो टैप स्विच नहीं कर सकते, तो आपको किसी को बिठाना पड़ेगा आपके, और वो क्वेश्चन ऐसे थे कि सॉल्व भी नहीं होंगे किसी से, बिठा लो किसी को, ठीक, गॉट, और एक बैक क्वेश्चन जा भी नहीं सकते, मतलब बैक पे भी नहीं जा सकते, वो सबसे बड़ा डिसेंट 10 मिनट का, और नेगेटिव मार्किंग थी, नहीं 10 मिनट का टेस्ट था बस, 10 क्वेश्चन थे, आप बैक भी नहीं जा सकते, जो करना है वो 1 मिनट में करना है, 1 मिनट पर क्वेश्चन। तो फिर इसके लिए कहीं से सर ने बताया था, मटेरियल भेजा था, सर ने बताया था हमको कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह पढ़ लेना, तो सर ने मतलब यूट्यूब के चैनल्स भेजे थे, चैनल्स तो मतलब ऐसे था कि सोर्सेज भेजे थे, PDFs वगैरह सर ने भेजी थी, और क्योंकि हमारे उसमें था ही करिकुलम में, तो हमने 3rd सेम में पढ़ी थी DSA, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तब पढ़ी थी, तो और अच्छे से हमने पढ़ ली थी। थोड़ा इतना सा बताओगे कि टॉपिक जो थे वो कहाँ से आए थे, एरे आया था? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज़ द फर्स्ट टॉपिक जो आपको DSA में पढ़ाते हैं, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़रूरी भी होती है, तुमने पढ़ी होगी, कौन से सेम में? सेकंड, 4th सेम में, वो होता ना ON करके, वो 3 तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो तो नहीं पढ़ाने बैठूंगी मैं। नहीं नहीं ठीक है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक पूरा वास्ट टॉपिक है, तो अगर आपने वो पढ़ ली ना तो DSA आदि तो आ ही जाएगी, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मेन होती है, तो वो उसके क्वेश्चन बेसिकली आते हैं, और तो उसमें बेसिकली कैलकुलेशन ज्यादा होती है। सर ने बोला था कि वहाँ पे एक सिलेबस दिया था हमको कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उन्होंने बोला था कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो सर ने बताया था कि ठीक है प्रिपेयर कर लेना, तो हमने प्रिपेयर किया। सर ने हमको मतलब कितने दिन पहले बताया था, बेसिकली सर ने बताया था, उसके 5 दिन बाद तो हो ही गया था, 5 दिन में प्रिपेयर कर लिया था। कितने घंटे दे रहे थे आप एक दिन में? मतलब ऐसा देख, ऑनेस्टली सीरियसली नहीं लिया था, जितना पढ़ा था उतना पढ़ा था, और
पढ़ लिया था थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे, क्योंकि उस टाइम एनपीटीएल वगैरह के एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे। यार एनपीटीएल के बारे में बात करेंगे आगे, ठीक है। एनपीटीएल का एग्जाम था सुबह, एनपीटीएल का एग्जाम था और वो पेपर हमको शाम को 6 बजे के पहले कंप्लीट करना था, ठीक है। तो एनपीटीएल का एग्जाम का जो सेंटर है वो भी आ रहा था, तो वहाँ देने गए थे, फिर वापस आए थे 5 बजे, तो हम वापस आए थे 5 बजे ने पेपर दिया, 6 बजे खत्म होने वाला था, तो दे दिया, ठीक है। उसका रिजल्ट तो बेसिकली डीएसए के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन आए थे 10 मिनट में, सारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के, नो नेगेटिव मार्किंग और कैलकुलेशन ज्यादा थी या फिर बेसिकली आपकी मेमोरी देखी गई थी। क्वेश्चन ऐसे थे कि डायरेक्ट की इसका कितना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, ठीक है। और चार क्वेश्चन अराउंड ऐसे थे जिसमें मतलब थोड़े सा दिमाग लगा के, लाइक ऐसा था कि 1 मिनट में हो सकता है वो क्वेश्चन, गॉट इट, क्योंकि कोई पेपर बनाता है तो वो इस हिसाब से बनाता है, फेल करने के हिसाब से कभी कोई नहीं पेपर नहीं बनाता, गॉट इट। सो दैट्स द राउंड वन, ठीक है। अब राउंड टू, राउंड टू आया था ऐसे मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं है, लेकिन राउंड टू उसी दिन था या आगे एक दिन, चार पाँच दिन, ठीक है। राउंड टू कुछ ऐसा था कि एक लॉजिकल थिंकिंग वाला राउंड था, ठीक है। तो उसमें एक ही क्वेश्चन दिया था, सबको अलग अलग था वो, उसका आपको आंसर देना था, ठीक है। उसका आपको लाइक पहेली टाइप होती है ना, तो वैसा कुछ था, थोड़ा सा आइडिया है, याद है मतलब हल्का फुल्का सा क्या था वो क्वेश्चन? आई गेस वो था कि एक चेयर है, चेयर के अराउंड 6 पीपल्स बैठे हैं, ठीक है। तो कुछ तो था कि वो क्वेश्चन सरक सरक के जाएंगे, वो तो नहीं है क्वेश्चन? नहीं नहीं वो क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, छोड़ चल कोई नहीं, ठीक है। तो उसका हमको आंसर लिखना था, वो पहली सॉल्व करनी थी बेसिकली, वो आप कैसे भी करो, तो उसके उसमें बेसिकली एल्गोरिथम लिखना था ना कि कोड लिखना था? कोड नहीं लिखना था, एल्गोरिथम लिखना, गॉट इट, गॉट, ठीक है। तो वो लिख दिया, फिर राउंड थ्री था हमारा, राउंड थ्री हमारा प्रोजेक्ट राउंड था, ठीक है, ठीक है। वो कितने दिन में था? उसमें 30 से 35 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे राउंड के लिए, राउंड थ्री में आने के लिए बेसिकली, ठीक है, ठीक है। 30 से 35 सेलेक्ट हुए थे, और उसके बाद राउंड टू और राउंड थ्री के बीच में गैप कितना मिल जाता था लोगों को? देख राउंड टू हुआ था एंड ऑफ अप्रैल तक हो गया था, ठीक है। और जो राउंड थ्री था, फिर ऐसा था कि जिसने भी राउंड क्लियर किया था तो राउंड थ्री में 30 मई तक आपको प्रोजेक्ट सबमिट करना था, 30 मई उसकी एंड डेट थी, ठीक है। यानी 1 महीना 1.5 महीना लगा सकते, 1 महीना, गॉट, ठीक है। अब उस प्रोजेक्ट के हमको चॉइसेस दी थी, 3 चॉइसेस दी थी हमको, जिसमें से आप एक प्रोजेक्ट चूज कर सकते हो। किस तरीके की चॉइस थी? एक तो थी कि रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है, ठीक है, यूजिंग AI। एक था कि फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना है, ठीक है। और एक था, एक मुझे याद नहीं, तो कोई नहीं, ठीक है। okay. तो मैंने उसमें से फेस रिकॉग्निशन चूज किया था, मतलब मैंने ऐसे इधर उधर, क्योंकि इतनी अच्छे से पाइथन नहीं आती थी कि मैं बिल्ड कर सकूँ प्रोजेक्ट। लेकिन फिर मैंने इधर उधर बात करी, सीनियर से बात करी, और मतलब मेरे रिलेटिव्स में भी उनसे बात करी, तो उन्होंने सबने मुझे सजेशन दिया कि फेस रिकॉग्निशन चूज कर ले, पाइथन से ईजिली बन जाएगा। मैं क्या ओके, तो मैंने चूज़ किया। हमारी मीटिंग हुई मनीष श्रीवास्तव सर के साथ, क्योंकि वही हैंडल कर रहे थे। ओके, तो 35 बंदे सिलेक्ट हुए थे अपने कॉलेज से, एक पर्टिकुलर कॉलेज से, ओवरऑल जितने भी दिए? नहीं नहीं, अपने कॉलेज से, अपने कॉलेज से, ठीक है, ठीक है। और उनके उनके अब जो आपको अराउंड 500 बैठे थे, जिसमें 35 स्टूडेंट्स राउंड थ्री में गए, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर टीम बनी गई थी राउंड थ्री के लिए या फिर सिंगल सिंगल था? सब सिंगल, गॉट इट, ठीक है। सबको अलग अलग मेंटर्स असाइन हुए थे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, गॉट इट, ठीक है। तो और उनका लेवल क्या था, HR वगैरह जो मेंटर थे आपके? मेंटर थे, मतलब मेंटर थे टू हेल्प यू, हाँ, दैट्स इट। तो बेसिकली उनको इस चीज में नॉलेज होगी, मेंटर की कोई वो थी नहीं, मतलब मेंटर से तो एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ। ओके ओके, मेंटर से एक बार भी डिस्कशन नहीं हुआ था हमारा, हमने खुद से ही बनाया था सब कुछ। तो मतलब ऐसा था कि पूरे इंडिया से एक मेंटर, कुणाल बोल दी भाई थोड़ा धीरे बोल, एक बंदा असाइन हो गया माइक्रोसॉफ्ट से, हाँ। मतलब ऐसा था कि एक मेंटर के पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे थ्रू आउट इंडिया, लेकिन मतलब यहाँ पे तो सबके अलग अलग ही थे क्योंकि इतने सारे बच्चे थे इसीलिए। तो ओवरऑल आइडिया है ऑल ओवर इंडिया कितने लिए होंगे इन बंदों ने राउंड थ्री के लिए? आई थिंक 1000, गॉट इट, ठीक है। नहीं 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 नहीं, 1000 का तो इंटर्नशिप मिली है। ओके, 25000 अप्लाई करते हैं देख एंगेज में, तो मुझे ऐसे कोई आइडिया तो नहीं है, और ये जो डेटा है ये गूगल पे भी नहीं है।
और बेसिकली इनका प्रॉब्लम ये, क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया था ये देखने का कि मिल जाए, लेकिन ऐसा ये डेटा है ही नहीं. मेरे को ऐसा लगता है वो फिक्स नहीं है, इनको अच्छे लग रहे हैं बच्चे जितने ले लेते हैं, है ना. प्रोजेक्ट जिनका अच्छा था उनको ले लिया. राउंड थ्री बंदे ऐसा कोई सीनियर असाइन हो गया आपको माइक्रोसॉफ्ट सीनियर असाइन हो गया. अब हमें अनदर प्रोजेक्ट, तो मैंने पापा को बोला, पापा ने बोला कि चल ठीक है देखते हैं. तो पापा ने मतलब अरेंज करवाया, तो मेरे भैया है मतलब रिलेटिव में, उन्होंने थोड़ी सी हेल्प करी थी, वो पैथन डेवलपर है. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि चल ठीक है ऐसे 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 बना लेना खुद से. ठीक है, तो अब रैन आ गया बीच में कॉलेज फेस्ट. कॉलेज फेस्ट था यार, कॉलेज इवेंट्स. हाँ, आपका तो पहला भी कॉलेज इवेंट्स से कैसे बचे उनके बारे में बाद में बात करेंगे. आप रैन आ गया, बचना क्यों है भाई कॉलेज इवेंट्स से? नहीं बचना, एंजॉय करो यार. यहाँ पे रिग्रेट होता अगर मैं एंजॉय नहीं करती तो. ओके, ठीक है. तो 19 में को रैन खत्म हुआ, मैं 20 में को अब घर जाना पड़ेगा. यहाँ तो बने नहीं का बने. और आपके पास शायद 10 दिन बचे हैं, सिर्फ 10 दिन थे ना. उसके पहले हमारी मीटिंग हुई थी मनीष सर से, जो हैंडल कर रहे थे सब कुछ. सर ने बोला था कि यू हैव टू डू इट दिस, किसी ना किसी एक को तो लेके आना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट के लिए इंटर्नशिप. अच्छा, बेसिकली एक मेंटर कितने बंदों का साइन होता है? फिक्स नहीं है, 300-400 असाइन होते हैं. हमारा ग्रुप बना था तो उसमें देखा था. सर ने बहुत ऐसे मोटिवेट भी किया था एंड एट द सेम टाइम डरा भी दिया था कि लाना पड़ेगा. और ठीक है देखते हैं रैन के बाद, क्योंकि सीरियस ही नहीं थे. ठीक है, तो मैं गई, फिर मैंने फिर इंजीनियर्स का होता भी ना, आखिरी दिन आखिरी 10 दिन याद आती है. सीरियसनेस कभी नहीं लिया. ठीक है, फिर हमने बनाया फिर प्रोजेक्ट. फिर ठीक है, फिर मैंने वो 10-15 दिन मतलब उसके पहले से मैं थोड़ा थोड़ा वर्क करना स्टार्ट कर दिया था कि हाँ ठीक है, थोड़ा बेसिक देखना स्टार्ट कर दिया था कि कैसे बनाऊंगी. एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट नहीं. आप देखते कहाँ से थे? लाइक यूट्यूब पे जो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, यूट्यूब पे जो ऑलरेडी बने हुए हैं उनकी कॉपी करना. हाँ, तो बनाना स्टार्ट किया. अब घर पे कोई काम नहीं. ठीक है, घर पे बस यही काम, सुबह से लेकर शाम तक बस लैपटॉप. मैंने यही किया है सच में. मतलब लैपटॉप भी किस लैपटॉप, खुद का लैपटॉप था नहीं पहले, क्योंकि लैपटॉप का क्या काम, कोडिंग करनी नहीं. ठीक है, ठीक. तो ऐसे पापा का यूज करती थी, इसमें हो जाती थी ऐसे. अब ठीक है, कॉन्फिडेंस, एडेप्टेबिलिटी, पेशेंस एंड गॉड पे भरोसा, ये सब मम्मी पापा से तो अब्सॉर्ब कर चुके हैं पूरी तरह. क्या फील कर, गॉट इट. सो बैक टू द थिंग कि लैपटॉप पे लगे रहते थे सारे टाइम. अब मैंने किया 10 दिन में कैसे ना कैसे. बाद में पता चला, पता तो क्या चला, पहले से था दिमाग में कि हमको दो चीजें और देनी है, एक तो गिटहब फाइल देनी है और एक यूट्यूब वीडियो देनी है उनको प्रेजेंट करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए कि आप जब रन करोगे ना हमारा प्रोजेक्ट तो ऐसा दिखेगा. तो बनानी थी आपको वीडियो, ठीक है, स्क्रीन शेयर करके बनानी थी. गॉट इट. ठीक है, मतलब एक्सप्लेन तो करूंगी ना उनको कि हमारा मेरा प्रोजेक्ट है क्या. जैसे प्रेजेंटेशन टाइप मार ले, क्योंकि उनके सामने तो देनी नहीं है तो ऑनलाइन. गॉट इट. अब बनाई भाई प्रेजेंटेशन की बना ली थी बेसिकली. तीन मिनट की बनानी थी, प्रेजेंटेशन नहीं बनानी थी, नहीं बनानी थी, बताना था बेसिकली वर्क करके. तो मैंने क्या किया था, अब रीडमी फाइल बनानी थी, अब किसी और की गिटहब फाइल में ना रीडमी फाइल सबसे इंपॉर्टेंट होती है. तूने कभी गिटहब से कोड देखा है? हाँ थोड़ा, पर इतना भी गिटहब में नहीं घुसा हूँ. है ना, तो किसी की भी गिटहब फाइल अगर देखेगा ना तो उसमें रीडमी जरूरी है, क्योंकि तो किसी की भी गिटहब खोले, आज तो मेरी भी गिटहब खोलेगा, मेरा कोई प्रोजेक्ट खोल लिया तो कैसे समझ आएगा वो, जब तक मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी खुद से ही दिमाग लगाएगा. मान ले 4-5-6 फाइल्स है, देखो मेरा कोड क्लोन करना है अपने लैपटॉप में, तो तू कैसे करेगा? देखो तो क्लोन बस इतना पता है, गिट क्लोन साइट और हो जाएगा क्लोन, लेकिन उसके लिए तेरे को क्या जरूरत है, कौन से सोर्सेज से चीजें डाउनलोड करनी है, कैसे कौन से कमांड्स यूज करके उसको रन करना. कई बार तो ऐसा था खुद का कोड अगर 3 महीने बाद देखते हैं समझ तो भी समझ नहीं आता, तो किसी और का तो क्या, 2 साल पहले के कोड मेरे को तो सही है. तो मतलब उसके लिए रीडमी फाइल मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट होती है एक कोड के लिए. ठीक है, तो वो बेसिकली वो बता, हाँ वो एक तरीका होता है समझाने का कि ये पूरी समरी होती है आपकी, हाँ, एक कैसे एल्गोरिथम तरीके के की बता रही है एल्गोरिथम. तो बेसिकली मैं बोल दूँ गिटहब वगैरह देख लेना और इस पर मतलब सीख लो, गिटहब है ना वो बेस्ट है, गिटहब सीख लो. हाँ ठीक है, गिटहब सीख लो, लिंक्डइन सीख लो. ठीक है, ये सर गॉट इट. तो अब प्रेजेंटेशन डे पे आए, कोई स्पेशल नहीं, डे नहीं था प्रेजेंटेशन डे, मैं बताती हूँ ना. गिटहब फाइल में रीडमी फाइल बनानी थी, तो रीडमी फाइल मैंने बनाई. रीडमी फाइल बिल्कुल ऐसे बनाई कि एक फ्रेश लैपटॉप है, मतलब हमारे मेंटर ने ही समझाया था कि एक फ्रेश लैपटॉप लेके आए हो तुम बाजार से, उस पर तुमको रन करना. ठीक है, अब तुम ये बताओ कि तुम कैसे करोगे. अब मेरा तो सच में ऐसा था जो पापा, क्योंकि मैंने पापा का यूज़ किया था,
तो सच में ऐसा था कि उसमें तो पाइथन भी नहीं थी। बेसिकली ऐसा है, बच्चे को जैसे समझाते हैं वैसे बताना, फोर्थ के बच्चे को। तो मतलब सच में ऐसा ही किया था कि मैंने पहले पाइथन उसमें इंस्टॉल करी थी, पाथ सेट किया था, फिर वीएस कोड इंस्टॉल किया था। बेसिकली आपने पूरा रीड में बताया। तो मैंने सच में बनाया था, कहां कहां जाना मैं बस था, अभी बनाया था 10 दिन पहले, तो वो मैंने इंक्लूड कर दिया स्टेप बाय स्टेप। क्या अब रीड मी है ना, रीड मी डॉट एम डी फाइल बनती है। गॉट इट। आपके हर भी जो भी आप ओपन सोर्स कुछ भी कंट्रीब्यूट करते हो उसके लिए ये इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है गॉट इट। दूसरी चीज़ हमको वही प्रेजेंटेशन बनानी थी, तो उसके लिए मैंने देख ऑनेस्टली ग्राफिक्स मुझे इतने आते नहीं तो मैंने करे नहीं ऐड। ये होता है क्या जो कोडिंग में होते हैं वो ग्राफिक्स थोड़े कम जानते हैं, ग्राफिक्स वगैरह नहीं आते जैसे वीडियो एडिटिंग वगैरह इतने अच्छे से नहीं आते, तो क्या बोलते हैं मैंने ऐड किए और ऐड नहीं किए वो तो, और मैंने बनाई, ठीक है। मैंने क्या किया था, वॉइस ओवर किया था पहले, बना ली स्क्रीन शेयर करके वो, फिर मैंने कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं समझ गया वॉइस ओवर का मतलब बहुत जरूरी होता है, ठीक है। फिर मैंने पहले कंटेंट क्रिएट कर लिया कि हाँ मैं इस टाइम पे ये चलाऊंगी तो मैं ये बोल लेती हूँ, उस अकॉर्डिंग मैंने चला लिया, जाने कितने तो टेक्स लिए 10 to 15 क्योंकि वॉइस जो थी वो तो चल देख के बोल लिया क्योंकि फेस तो दिख नहीं रहा, लेकिन वो मैच करना बहुत ऐसे मुश्किल हो जाता है कि इस पे यही आना चाहिए, अब वो कोड ही नहीं खुले, वो चल ही नहीं रहा, मैं यहाँ पीछे से मेरी आवाज चल रही है वो कोड ही नहीं चल रहा, मैच ही नहीं हो रहा। यार मैं एक चीज पूछना भूल गया, जब आप पूरा कोड कर रहे थे तो जो डीबगिंग वाला प्रोसेस है वो सबसे हार्ड होता है, आपको क्या लगता है? कोड लिख लिया, लगता है कि कोड लिख लिया और उसको रन करते ही 50+ एरर्स, तो फिर वो सॉल्व किसके थ्रू? हां वो किसी की हेल्प लेते थे, वो मैं हेल्प ही ली है और मैंने स्टैक ओवरफ्लो साइट का यूज किया है, ठीक है। और यार स्टैक ओवरफ्लो का थोड़ा जो इंटरफेस है ना वो पहले पहले अजीब सा लगता है, मतलब जल्दी यूआई अच्छा नहीं है ना, समझ नहीं आता, तो लेकिन काम करा दिया स्टैक ओवरफ्लो ने, ये देखा है मैंने और वो क्योरा पे देखा था, ठीक है। और तो मैं ऐसा था कि मैं गूगल पे वो एरर ही डाल देती थी जब जब स्टैक ओवरफ्लो पे शो नहीं होता था, तो वो गिटहब पे भी कभी कभी ये लोग डालते हैं एरर्स के, ठीक है। तो वहाँ से भी मैंने 3 जगह से मैंने देखा था, स्टैक ओवरफ्लो, GitHub, Google और GitHub, और साथ में कोई दोस्त वगैरह से वो बेस्ट रहता है ना कि अगर कोई बता दे। पूछा था तो ऐसा था कि सबने बना के हो गया सॉल्व, got it एरर सॉल्व हुए फाइनली, वो रन हुआ प्रोजेक्ट, ठीक है। फिर ये बनाई प्रेजेंटेशन, तो मैंने क्या किया था, कैटेगराइजेशन कर दिया था प्रेजेंटेशन के लिए स्टार्टिंग में कि मैं 4 चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में बोलने वाली हूँ कि व्हाट इज माय प्रोजेक्ट, हाउ आई चोज लाइक व्हाई आई चोज दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। How this project is working, what libraries I'm using, ठीक है, ये like what libraries, why, how, हाँ what why how, okay, what libraries I am using, ठीक है, और कौन सी library कैसे काम कर रही है, और मेरा project क्या काम, मतलब project को मेरे चलाना कैसे, like चल कैसे रहा है कि जैसे मेरा face recognition था, तो सबसे पहले मेरा project work कैसे कर रहा है, तो work में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जैसे कि जितने भी नेम्स है ना जिनकी अटेंडेंस लगनी है वो ऑलरेडी स्टोर्ड है तो वो डिस्प्ले होंगे, फिर उसके बाद कैमरा ओपन होगा, फिर उसके बाद आपकी अटेंडेंस लगेगी, फिर एक्सेल शीट में वो अटेंडेंस स्टोर होगी, तो इसके भी 4 प्रोसेस हो गए, okay। तो हाउ माय प्रोजेक्ट इज वर्किंग, ये मेरा 4th हो गया, ठीक है। व्हाट लाइब्रेरीज आई एम यूजिंग एंड व्हाई दिस ओनली लाइब्रेरी आई एम यूजिंग, ओके। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क की कौन कौन सी लाइब्रेरी सीखी थी फॉर फेशियल रिकॉग्निशन के लिए? OpenCV, Kintel लाइब्रेरी मैंने इसलिए सीखी थी क्योंकि GUI, क्योंकि देख ऐसा होता है कि रन हो गया, ठीक है, एक अपन जब HTML साइट बनाते हैं तो अपीयरेंस मैटर करती है ना, एज कंपेरिजन टू लॉजिक, लॉजिक तो काम करता है वो बिकता है obviously, exactly। तो प्रोजेक्ट तो मैंने बना दिया, अब उसके बाद का यार फीका फीका तो लग रहा है, काम कर रहा है लॉजिकली बहुत अच्छा है लेकिन अपीयरेंस वाइज नहीं था। फिर मैंने कहा कि ठीक है किंटल लाइब्रेरी यूज करके GUI बना देते हैं, गॉट इट, ठीक है। तो GUI ओपन सी भी किया था, नंपाई मॉड्यूल, वो तो मॉड्यूल है, ठीक है, ठीक है। और मॉड्यूल ओके, फेस रिकॉग्निशन लाइब्रेरी भी, ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे 2-3 लाइब्रेरी थी तो इसमें मैंने यूज करी थी। तो बेसिकली इनको सीखने के लिए यूट्यूब यूज किया था आपने, YouTube और Google पे थोड़ा सा पढ़ा कि हाँ ये लाइब्रेरी, मतलब मैंने ऐसे डाला था कि वीडियो इमेज प्रोसेसिंग के लिए कौन सी लाइब्रेरी बेस्ट है, तो OpenCV आया था, वीडियो इमेज प्रो, क्योंकि OpenCV जो है वो वीडियो और इमेज प्रोसेसिंग के लिए होती है, ठीक है, वीडियो इमेज, तो इसके लिए। बाकी तो डेट और टाइम बताता है वो, तो उसके लिए डेट टाइम इम्पोर्ट किया था, तो ये ऐसे। अब यहाँ आ गए अपन प्रेजेंटेशन, मतलब जो भी आपने बताया अपने प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया किनको, उन्हीं को किया था जो आपके वीडियो में, हाँ अच्छा, वीडियो में करके आपने डाल दिया, वीडियो में किया था तो अपलोड करना था, मैं वीडियो की लिंक अपलोड करनी थी यूट्यूब पे, वीडियो डाल के गॉट इट कर दिया अपलोड, ठीक है, ओके गॉट इट। फिर उसके बाद अब सिलेक्शन प्रोसेस कितने दिनों में रिप्लाई आता है उन लोगों का? 21 डेज में।
21 जून मतलब 30 मई को प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर 21 जून को रात के 2 बजे मेरे पास मेल आता है और इधर ग्रुप पे मैसेज आता है कि किस किस को डायरेक्ट सिलेक्शन मिला है। मुझे समझ नहीं आई ये चीज़ क्या बोल रहे सर। मैंने मेल देखा कि कॉन्ग्रेचुलेशन दैट मेल लाइक मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये कौन सा मेल है। कॉन्ग्रेचुलेशंस तो ठीक है क्योंकि मैं भूल गई थी। देख 30 मई को ऑनेस्टली मैंने सबमिट किया और मेरे पापा ऐसे थे कि पापा इन्वॉल्व थे सारे टाइम, देखते रहते थे मुझे कि बेटा क्या हुआ। मम्मी ऐसे होते थे बेटा क्यों परेशान हो रही है ऐसे, मतलब इतना क्यों करिए सो जा। तो अब पापा पूछने लग गया कि क्या हुआ ना, क्या पापा दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एंड माय नेम इज कनिका, तो वो मैच नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पापा डोंट थिंक अबाउट इट। पापा को भी ये बोला, मम्मी को बोला, पापा बोलते चल ठीक है। और पापा ने पूछा, फिर हम ट्रिप पे थे एक्चुअली और हम लोग वापस आ रहे थे, फैमिली ट्रिप थी, हम लोग वापस आ रहे थे, ट्रेन में थे पहुँचने वाले थे और रात में 2 बजे आई चेक माई फोन व्हाट्सएप के मैसेज और उसके बाद मैंने मेल चेक किया उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशन सारा। पहले भरोसा किया बेसिकली कि वही है। मैंने कहा एक मिनट है क्या है। मैंने मेल को पूरा पढ़ा कि लाइक कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सरपास द इंटरव्यू एंड ऑन गेटिंग प्ले इंटर्नशिप एट माइक्रोसॉफ्ट। मिल गया था बेसिकली इंटर्नशिप, इसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं हुआ था आप? नहीं, मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। अब साथ में दोस्त वगैरह ने किया होगा? हाँ। उनमें से किसी का नहीं हुआ हो, किसी का हुआ होगा? मेरी 2-3 दोस्तों का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था लेकिन फिर उनका नहीं हुआ। अच्छा, इंटरव्यू भी हुआ फिर? 3 बच्चों को डायरेक्ट ऑफर मिला था। हाँ। ठीक है, कॉलेज से। हाँ। और 28 का इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था इन जुलाई। ओके, तो कभी उनसे बात हुई कि इंटरव्यू में क्या पूछा? बहुत ही मतलब ऐसा था कि कोई स्ट्रक्चर नहीं था इंटरव्यू का माइक्रोसॉफ्ट के, उसमें लिखा हुआ था कि टेक्निकल इंटरव्यू है या एचआर इंटरव्यू, कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्होंने एक ही इंटरव्यू में सब कुछ पूछा है, इधर टेक्निकल, मैनेजेरियल, एचआर, सब कुछ पूछा है। किसी को एचआर बोला था तो उसको भी टेक्निकल पूछ लिया। ठीक है, तो मिक्सचर था इंटरव्यू, एचआर, टेक्निकल, मैनेजेरियल। क्या डिफरेंस? मैनेजेरियल, मैनेजेरियल है ना, क्या डिफरेंस होता है? टेक्निकल मतलब तो अपनी कोडिंग वगैरह। ठीक है, मैनेजेरियल में आ जाता है थोड़ा सा मैनेजमेंट टाइप की सिचुएशंस दे देता है आपको, सिचुएशंस लाइक कि वही कि जॉब चेंज करनी पड़े तो क्या क्या फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे, साइकोलॉजी लाइक लॉजिकल टाइप का। और एचआर में तो जनरली पर्सनल आपकी आपका हुआ और उनका नहीं हुआ, क्या फील हुआ कि उन्होंने क्या नहीं किया था जो आपने किया था? कुछ तो पता चला ही होगा। मेरा तो पता नहीं, मेरे को तो डायरेक्ट मिल गया था तो इंटरव्यू तो मेरा हुआ नहीं था, लेकिन उनका ऐसा था कि आई थिंक क्योंकि देख प्रोजेक्ट सबने बनाया था एंड ऑलमोस्ट 70-80% बच्चों ने फेस रिकग्निशन बनाया था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका प्रोजेक्ट सेम था क्योंकि रेफरेंस एक ही जगह से लिया था सबने। अब क्या हुआ, अब लेकिन उसमें यूनिक चीज़ क्या थी, एक तो रीडमी फाइल थी और एक वो वीडियो जो हमने अपलोड करी है, ये दो ही चीज़ यूनिक हो सकती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो हम तीन ने उनको अच्छी बनाई होगी, अच्छे से डिलीवर किया, उनको अच्छे से समझ आया। बाकी ऊपर में ये लगा कि इन्होंने किसी कॉपी किया है, समझा नहीं पा रहे। हाँ, शायद। और फिर और किया भी होगा, किस्मत भी अच्छी थी, मैं तो बोलूँगी अच्छी थी, किस्मत भी अच्छी थी, इसीलिए डायरेक्ट हो गया। इंटरव्यू वालों में फिर इंटरव्यू बहुत तगड़ा हुआ था, मतलब उस टाइम तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था, अगर आपका होता तो हो जाता क्या इंटरव्यू? इंटरव्यू हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं एक्चुअली दे तो देती, डरती नहीं, बहुत बात होता नहीं होता, पता नहीं। इंटर्नशिप तक पहुँच गए अपन लोग, इंटर्नशिप हो गई है। अब वहाँ बुलाया था उन लोगों ने आपको? ऑन साइट हुई, ऑन साइट हुई एक साल बाद हैदराबाद, यानी सेकंड ईयर में आपका हुआ? थर्ड ईयर में गई थी मैं इंटर्नशिप, थर्ड ईयर में आप, एक साल छोड़ के थर्ड ईयर में आप, ठीक है। वहाँ क्या फील किया? वहाँ पे सबसे पहले तो पहली बार इतना बड़ा ऑफिस देखा था, क्योंकि आज तक हैदराबाद में सब पहली तो बार। इंटर्नशिप में आपको एज अ जॉब प्रेफरेंस, मतलब आपका रोल क्या था उसमें? सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर।